क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्टिकल 32 चल रहा है हमारा, जिसमें पहले रेट देख रहे थे हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि शब्द ही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी जो बनाया गया जिसको अरेस्ट जिसको किया गया वो लीगल है या इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच करती है इलीगल अरेस्ट के, अगर इलीगल अरेस्ट किसी को किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में हम इस वाली रेट के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इलीगल अरेस्ट है ये या तो सरकार के खिलाफ भी किया जा सकता है और प्राइवेट के खिलाफ भी किया जा सकता है, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी आ सकता है। तो ये दोनों पर लागू होगी, ये सरकार पर भी लागू होगी और निजी संस्थाओं पर भी लागू होगी। समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिए, गवर्नमेंट के लिए भी हो सकती है प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी हो सकती है। अंतर आता है ना पूछने कभी कभी, अगर आपने ध्यान दिया हो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें मिलान करने के लिए भी आता है। देखा होगा आपकी पांचों शब्द लिखे होंगे, फिर उससे हमें मिलान करना पड़ेगा किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहाँ आएगा? इलीगल अरेस्ट के लिए आता है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसको वो जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा, किस आधार पर याचिका दाखिल करेगा, ये हमने कल ही पढ़ा था या परसों पढ़ा था शायद, कि जो गिरफ्तारी है उससे हमारे मौलिक अधिकार जो है कौन कौन से मौलिक अधिकार लिमिट में होंगे, घूमने फिरने का अधिकार 19(1)(d), फ्री मूवमेंट का अधिकार बाधित होगा। आर्टिकल 21 के तहत जो हमने पढ़ा था राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जिसमें पर्सनल लिबर्टी की भी बात की गई थी, वो बाधित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आप लोग थे तो क्लास में ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 19 अलग है, 19 कब है जब गिरफ्तारी नहीं हुई है और 21 कब है जब गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति को इलीगल अरेस्ट किया जाता है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कौन सी रिट जारी की जाएगी? हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जाएगी। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे पढ़ने को मिलती है हमें कि जो ये हैबियस कॉर्पस के तहत जो अपील दायर की जाएगी, जो पिटीशन दायर की जाएगी, वो जरूरी नहीं है कि जिसको हमने अरेस्ट किया है वही कर पाए, है ना। कैसा हो सकता है जो अरेस्ट हो गया वो नहीं भी कर सकता है? तो इसके जो अरेस्ट हो गया उसके बिहाफ में कोई एनजीओ ऐसा कर सकता है, ठीक है, या उसके रिश्तेदार ऐसा कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इंटरेस्ट उसमें जुड़ रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जो हैबियस कॉर्पस रिट है इसके लिए पिटीशन कौन दाखिल कर सकता है? जरूरी यही है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ हो, यानी पीड़ित पक्ष की जरूरत नहीं है, कोई एनजीओ भी कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जिसके उसमें इंटरेस्ट जुड़ रहे हो, डायरेक्ट इंटरेस्ट। या किस वजह से ये हैबियस कॉर्पस हो गया? दूसरा क्या है? दूसरा है मैंडेबस परमादेश। तो परमादेश
खिलाफ लाई जाएगी, जुडिशरी के खिलाफ लाई जाएगी। दूसरा देख लेते हैं कब लाई जाएगी, न्यायपालिका कब लाई जाएगी, जब प्राकृतिक न्याय का पालन ना हो रहा हो, प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का पालन ना हो रहा हो तब लाई जाएंगी। नेचुरल जस्टिस क्या होता है देख लेते हैं, नेचुरल जस्टिस का पालन ना हो, यहां पर भी नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है देखिए, इसका पहले किसी को समझे जाए, नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय, यानी प्राकृतिक न्याय क्या हो सकता है, आप देखिए कोई दो पक्ष हैं, यदि दोनों पक्षों में से हम किसी एक ही पक्ष की बात सुने, दूसरे पक्ष की बात ही ना सुने और हम अपना निर्णय दे दें, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो, यानी दोनों पक्षों की बात बराबरी से सुननी चाहिए। तो यही चीज है नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया में, जैसे कि दोनों पक्षों की बात बराबरी से सुनी गई है या नहीं सुनी गई है, जो जज ने अपना जजमेंट दे दिया वो कहीं प्रेजुडाइज तो नहीं था, पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं था, ऐसे ही जो जज जिस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था उस प्रक्रिया का है कि नहीं है, यानी योग्य जज है या नहीं है, ये प्रक्रिया सारी किसमें आएंगी, नेचुरल जस्टिस में आएंगी। अच्छा ये आप देखिए, अब इन दोनों में मेन अंतर अब हम देखते हैं, प्रतिषेध कब आएगी, प्रोहिबिशन रिट कब जारी की जाएगी, निर्णय देने से पहले, डिसीजन से पहले, लिख लीजिए इसको, और ये कब जारी की जाएगी, सर्शेरी जारी की जाएगी डिसीजन के बाद। मेन अंतर यही है इन दोनों में कि जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध मतलब रोकना, कब रोका जाएगा, काम होने से पहले ही किसी को रोक देना, तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट, और उत्प्रेषण कब, बाद में, काम हो गया है डिसीजन दे दिया गया है उसके बाद। ये समझ में आ गया, आ गया समझ में इन दोनों का मतलब, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। प्रतिषेध मतलब रोकना, मना करना, मना कब करेंगे, काम करने से पहले मना किया जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ डिसीजन के बाद। एक और विषय हमारे पास आखिरी जो है, साफ कर दे इसको, आखिरी रिट क्या नाम था उसका, क्यों हुआ अधिकार रक्षा, ये हो गया 32-1 और 32-2 हो गया, आप देख रहे हैं 32-3 क्या कहता है, 32-2 से हमें पता चलता है कि 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, और केवल रिट जारी नहीं की जा सकती है, डायरेक्शंस भी दिए जा सकते हैं और ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं, जो भी प्रक्रिया उचित लगेगी उसको पालन किया जाएगा। 32-3 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो रिट जारी करने की शक्ति है फंडामेंटल राइट्स के लिए वो किस न्यायालय को दी जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें आर्टिकल 226 के तहत हमारे पास फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होने पर कहां जा सकते हैं, हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, कहां से, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, समझ में आ रही है हमारे, आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो भी कब, फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाईकोर्ट के पास हम फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास केवल फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं।
देख लेते हैं, आपने आपातकाल शब्द सुना होगा, इमरजेंसी शब्द सुना होगा, तो कहाँ से इमरजेंसी के प्रावधान कहाँ से हमें मिलते हैं? इमरजेंसी के प्रावधान के लिए तीन आर्टिकल हम पढ़ते हैं, 352, 358 और 359। ये किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी से रिलेटेड है। और आती है कि
ये तो था संविधान में क्या लिखा हुआ है। अब हमें एक दो चीजें और पढ़नी है। आर्टिकल 32 से कुछ चीजें और निकल के आई है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित वाद, PIL जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। एक सिद्धांत होता है लोकस स्टैंडाइज, इसको बोलते हैं अधिकारिता का सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं अधिकारिता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष होगा, पीड़ित पक्ष यानी जो परेशान है, वही अपनी राय कर सकता है कोर्ट में, ये लोकस स्टैंडाइज कहता है। लेकिन अभी हमने देखा हैवियस कॉर्पस, जब हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, जरूरी नहीं है पीड़ित पक्ष ही दे, कोई एनजीओ भी दे सकता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाया गया और PIL लाई गई है। PIL का क्या मतलब है, PIL में पहले तो यही कि जो लोकस स्टैंडाइज है इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि कोई भी अपनी राय कर सकता है, कोई भी मैं एनजीओ कर सकता है, यदि किसी के डायरेक्ट इंटरेस्ट उससे जुड़ रहे हैं वो कर सकता है। तो नोट कर लीजिए इसमें क्या है PIL, वही है कि कोई भी अपील दायर कर सकता है, केवल पीड़ित पक्ष ही नहीं, कोई भी यहाँ पे पिटीशन दे सकता है। लोकस स्टैंडाइज का मतलब क्या है, जो पीड़ित पक्ष होगा केवल वही दायर करेगा, ये इसका उल्टा है, समझ में आ रहा है, इसको लिख देना। लोकस स्टैंडाइज का मतलब जो पीड़ित पक्ष होगा वही अपील दायर करेगा। दूसरा क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की जाएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी इजी बना दिया है और कहा है कि फॉर्मेट तो ठीक है, आप पोस्ट कार्ड पर भी लिखकर भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड पर लिखकर भी भेजा जा सकता है इसको। तीसरी क्या चीज है इसमें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। अब यहां पे जो है कि कोई भी अपील दायर कर सकता है, इसमें एनजीओ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करेगी, वो खुद अपने वकीलों को भेज सकती है, खुद जज भी जाके कर सकते हैं। यही पे सुप्रीम कोर्ट ने जब एक राइट जोड़ा था नीड का अधिकार, सुना होगा ना नीड का अधिकार, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत जोड़ा गया है नीड का अधिकार। पर्याप्त नींद का अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, 2013 में जोड़ा गया है इसको। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उसके और मोटो के तहत ऐसा किया था। स्वतः संज्ञान मतलब बिना किसी अपील के, स्वतः यानी खुद से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, थोड़ा समझे अगर हम, कि कोई भी अपील दायर कर सकता है। पहले तो ये बहुत लिबरल कर दिया उन्होंने, है ना, कि कोई भी एनजीओ अगर है या आप किसी भी तरीके से आपकी हित उसमें जुड़ रहे हो, चाहे आप पीड़ित हो चाहे पीड़ित ना हो, तो आप अभी कितना PIL, हर चीज में हम PIL सुनते हैं, PIL दायर के लिए, PIL दायर के लिए, ऐसे इसका फॉर्मेट भी बहुत ईजी बना दिया कि पोस्ट कार्ड पर भी लेकर आप दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करेगी। PIL के मामले में एक नाम हमें बहुत पढ़ने को मिलता है, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या नाम है, PN भगवती, कौन लिखे हैं इसको, PN भगवती, ये नाम याद रखना है। PIL के मामले में सबसे पहले और सबसे ज्यादा नाम किसने लिया है, PN भगवती ने लिया है। ये हो गया जनहित वाद, PIL। एक टॉपिक और, अगर टाइम हो तो रुको, 5 मिनट है, हाँ निकल जाता है, एक टॉपिक और। जब ये PIL आई, ठीक है, तो यहाँ से एक और मुद्दा उठा कि जो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान की बात कर रही है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इन्होंने नींद का अधिकार जोड़ दिया, तो अधिकार जोड़ना या अधिकार ना जोड़ना किसका काम था, पार्लियामेंट का काम था, पर ये न्यायपालिका
विवाद की स्थिति में न्यायपालिका के पास जाएंगे। लेकिन जो अभी हमने पीआईआर पढ़ा उसमें क्या किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वो जो जुडिशियरी है वो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव के काम ही करने लगे। जैसे अभी हमने पढ़ा नींद का अधिकार जो आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया, ये काम किसका था, विधायिका का काम था, लेजिस्लेचर का काम था, है ना। कानून बनाना किसका काम, विधायिका लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन यहाँ जुडिशियरी ने ये काम कर दिया। ऐसे ही कुछ गाइडलाइंस जारी की है, तो गाइडलाइंस जारी करना यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम ये गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, आप इनके हिसाब से काम करेंगे। जैसे हमने डी के वासु केस की गाइडलाइंस पढ़ी थी, एक शब्द आता है विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस काफी फेमस है, अगर आपने सुना हो, ये है कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा गाइडलाइंस। तो ये जो गाइडलाइंस है ये किसके, कानून के फॉर्मेट में सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। तो कानून बनाने पर काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है। समझ में आ रहा है नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, आ रहा है नहीं। ऐसे ही उधर पे आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव का क्या काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि कानूनों को लागू करवाना, लॉ जो बनाए गए हैं उनको लागू करवाना एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन ये काम ही जुडिशियरी अपने ऑर्डर के माध्यम से कर रही है, जैसे कि डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना, किसके किसके तहत, पॉल्यूशन को रोकने के लिए डीजल की गाड़ियां रुक गई, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने की बात कही थी। ट्रैफिक के संबंध में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देती ही रहती है। तो ये जो काम है कि इसको कहा गया कि जुडिशियरी जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। तो ये जो शक्तियों के वितरण की जो हमने बात की है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स की जो बात की है, उसके खिलाफ जाती है ये बात। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या है कि हो सकता है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की नजर में वो बातें ना आ पाए जो जुडिशियरी की नजर में आ रही है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की नजर में वो बातें ना पाए जो जुडिशियरी की नजर में आ रही है, जैसे पीआईआर के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक भी है कि जुडिशियरी कहीं गाइडलाइंस बना देती है, लेकिन तब तक के लिए जब तक लॉ नहीं आता है तब तक गाइडलाइंस फॉलो करके फिर लॉ बना दिया जाता है। तो इसके दोनों ही पक्ष हमें देखने को मिलते हैं कि कहीं ये गलत भी है और कहीं ये सही भी है। तो यही है न्याय संहिता, ये हमें मेन से रिलेटेड टॉपिक है और ये आया कहाँ से, पीआईआर के माध्यम से आया है और आर्टिकल 13 भी इसी से संबंधित है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ध्यान होगा क्या कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहते हैं कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है, ये 13 कहता है। तो यानी कि ये भी तो जुडिशियल एक्टिविज्म ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले और विधि की जांच करे और गलत पाए जाने पर उसको खारिज कर दे। इसी से ही संबंधित जो भी हमने पढ़ा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू शब्द की हमने